ट्यूब रोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार के साथ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का एक टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में, अफ्रीका का एक्सपोर्ट के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। अफ्रीकन कंट्री है एक टोगो, टोगो का नाम आपने सुना होगा, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है टोगो। सो कैसे आप इंडिया से, भारत से टोगो को एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस विषय में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा, हाउ टू एक्सपोर्ट टू टोगो इन वेस्ट अफ्रीका। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा टोगो जो कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, कहां पर लोकेटेड है, उसका टोगो का लोकेशन कहां पर है, टोगो का राजधानी, टोगो का इकोनॉमी, टोगो का पॉपुलेशन के बारे में, करेंसी के बारे में और टोगो का सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स के बारे में, टोगो जो कंट्री है क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, ग्रो करता है, और इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स टोगो को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे आपको टोगो से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू टोगो। टोगो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है टोगो, और टोगो का जो बारे में बता रहा हूँ आपको, टोगो का राजधानी यानी कैपिटल है लोम है, कैपिटल लोम है, और उनका पॉपुलेशन है 80 लाख का पॉपुलेशन है। इंडियन पॉपुलेशन है काफी कम है, करीब 200 से 300 इंडियंस वहां पर रहते हैं, बिजनेस करते हैं, ज्यादा करके जो ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस करते हैं। और टोगो का जो लैंग्वेज है फ्रेंच है। टोगो जो कंट्री है पहले फ्रांस का एक कॉलोनी था। सो ज्यादा करके तो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ अफ्रीका फ्रांस का कॉलोनी था, तो टोगो ऐसे ही एक फ्रांस का कॉलोनी था, और अभी भी फ्रेंच जो है टोगो का जो नेशनल लैंग्वेज है, और बाकी सारे काफी सारे उनका जो लोकल लैंग्वेजेस में वो लोग बात करते हैं, लेकिन नेशनल का उनका जो कंट्री का लैंग्वेज है फ्रेंच का लैंग्वेज है। और टोगो का जो करेंसी है अफ्रीकन फ्रैंक है, अफ्रीकन फ्रैंक का जो है इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंडियन रुपीस अफ्रीकन फ्रैंक पर 7 रुपीस उनको मिलता है। तो टोगो का जो करेंसी है अफ्रीकन फ्रैंक CF है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, तो 6 कंट्री में यूज होता है। ठीक है, तो अभी मैं बता दिया आपको टोगो का राजधानी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, लोकेशन आपको बता रहा हूँ, टोगो कहाँ पर लोकेशन है, लोकेटेड है, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो टोगो देख सकते हैं, टोगो का जो नॉर्थ में है, टोगो का नॉर्थ में है बुर्किना फासो, वेस्टर्न पार्ट में है घाना, ईस्टर्न पार्ट में है बेनिन, साउथ में है अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो देख लीजिए टोगो का जो लोकेशन कहां पर लोकेटेड है। सो आपको दिखा दिया टोगो का लोकेशन के बारे में दिखा दिया, टोगो का साउथ में है, अटलांटिक ओशन को टच कर रहा है, अटलांटिक ओशन को लगा हुआ है, इसीलिए टोगो के पास खुद का सी पोर्ट है। वेस्टर्न पार्ट में घाना है, नॉर्थ में है बुर्किना फासो, तो डिटेल्स आपको बता दिया, बेनिन उनका जो ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, और बेनिन के बाद है नाइजेरिया। सो एक अच्छा स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है टोगो, और सबसे छोटा कंट्री है टोगो जो है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे छोटा कंट्री अफ्रीका का, सबसे छोटा कंट्री है टोगो। पहला फ्रांस का कॉलोनी था, अभी भी फ्रेंच में बात करते हैं, और आगे मैं बताऊंगा टोगो क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, और टोगो को इंडिया का एक्सपोर्टर क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा टोगो का जो सी पोर्ट्स के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में। टोगो का एक ही सी पोर्ट है जो इंटरनेशनल सी पोर्ट है, इंटरनेशनल टर्मिनल है, द पोर्ट ऑफ लोम। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में, देख लीजिए, टोगो का सी पोर्ट्स के बारे में दिखा रहा हूँ और टोगो का एयरपोर्ट्स के बारे में दिखा रहा हूँ, आप मैप में देखिए।
टोगो एक छोटा कंट्री होने के बावजूद काफी सारे प्रोडक्ट ग्रो करता है, जैसे कि कोको है, कॉफी है, राइस है, मैज है, बहुत सारे प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट कोको टोगो ग्रो करता है और काफी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है टोगो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा टोगो जो कंट्री है क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, आप देख लीजिए स्क्रीन में। तो आपको मैंने दिखा दिया टोगो जो कंट्री है, छोटा सा कंट्री है टोगो, काफी सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट करता है टोगो, और टोगो का जो टोगो को इंडियन हमारा इंडिया का एक्सपोर्टर क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो आइए मैं दिखा रहा हूँ अभी टोगो को इंडियन एक्सपोर्टर्स, हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और टोगो को एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज क्या है, टोगो में और क्या क्या प्रोडक्ट का जरूरत रहता है, टोगो को क्या क्या एक्सपोर्ट आप कर पाओगे उसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो आपको मैं इस स्क्रीन में बता रहा हूँ टोगो को इंडियन एक्सपोर्टर्स काफी साल से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और फिलहाल क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, और टोगो को टोगो में क्या क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहिए उसके ऊपर मैं बताऊंगा। आइए स्क्रीन में दिखा रहा हूँ लिस्ट वाइज कितने सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे और कितना सारे प्रोडक्ट का डिमांड है इन टोगो। जितने सारे प्रोडक्ट इंडिया टू टोगो को एक्सपोर्ट हो रहा है मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रीन में दिखा दिया। आपने अगर इंडिया का एक्सपोर्टर हो, इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ इंडिया में हमारे काफी सारे 10-15 ट्रेड पोर्टल से, इस ट्रेड पोर्टल से आप प्रोडक्ट सोर्स करके इंडिया टू टोगो या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो कितने सारे वेबसाइट्स है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारा जो पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं कितने सारे इंडिया का एक्सपोर्ट करने के लिए कहाँ से सोर्स करोगे, उस वेबसाइट से, हमारा इंडिया का वेबसाइट से आप प्रोडक्ट सोर्स करके आप टोगो को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो कौन सा वेबसाइट से, इंडिया का कितने सारे ट्रेड पोर्टल से मैं आपको इस स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये जो देख रहे हैं ये इंडिया का टॉप ट्रेड टॉप प्रोडक्ट टॉप वेबसाइट से ट्रेड पोर्टल से आप इन्हीं वेबसाइट को जाके वन बाय वन सर्च करके आपका प्रोडक्ट को सोर्स करके टोगो या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो इसमें हमारा कंपनी का वेबसाइट है trademyproducts.net है, ये हमारा जो वेबसाइट है हमारा कंपनी का, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट उनका जो मैंने काम चल रहा है उनका जो डेवलपमेंट काम चल रहा है अभी थोड़ा दिन में ये रेडी हो जाएगा, तो जब रेडी होगा मैं आपको बता दूंगा ये साइट का। बाकी जितने सारे साइट्स आपको दिखा दिया इंडिया मार्ट और एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया इंडिया का, ये इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है। अगर आपको मालूम नहीं है कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, कहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करोगे, तो आप इन्हीं वेबसाइट को सर्च करके प्रोडक्ट सोर्स कर पाओगे। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया, एग्जाम्पल आपको राइस एक्सपोर्ट करना है, एग्जाम्पल आप गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना है, तो इन्हीं वेबसाइट को जाके आप सर्च करिए कि गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, आपको काफ़ी सारे गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, आप उनसे बात करके कॉन्टैक्ट करके गारमेंट्स का प्राइस लेके आप गारमेंट्स को आप टोगो या एनी अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया टोगो को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे।
अभी मैं आपको बताऊंगा टोगो को अगर एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो टोगो से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो टोगो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, छोटा सा कंट्री है और जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस काफ़ी महंगा है, इंटरनेट एक्सेस काफ़ी कम होता है। मैं आपको पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइल्ड, तो उस वीडियो में बता चुका हूँ कि वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री जो है, ज़्यादा करके पोरेस्ट कंट्री है, वेस्टर्न और ईस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीकन काफ़ी सारे कंट्रीज इन अफ्रीका जहाँ पर इंटरनेट काफ़ी महंगा है, इंटरनेट एक्सेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट जो एक्सेस करना ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसीलिए मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट्स मैंने ऐड कर चुका था चार्ट का और काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज का। वैसे ही टोगो के पास जितने सारे इंटरनेशनल और B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस है और बिजनेस डायरेक्टरीज है, टोगो के साथ साथ मैं टोगो का नेबरिंग कंट्रीज और साउथ ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज का जितने सारे वेबसाइट्स है मैं आपको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। आप देख लीजिए कितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है जो आपको उनके जरिए आपको टोगो से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो आइए मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए द इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ टोगो एंड अफ्रीकन कंट्रीज। मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट्स दिखा दिया जो टोगो का था और टोगो का नेबरिंग कंट्रीज का था और अफ्रीकन कंट्रीज का था। ये जो वेबसाइट्स थे ये येलो पेजेस थे, बिजनेस डायरेक्टरीज थे, कंपनी लिस्टिंग वेबसाइट्स थे, B2B ट्रेड पोर्टल्स थे और क्लासिफाइड वेबसाइट्स थे। आप इन्हीं कंपनी में रजिस्टर करिए, आपका जितने सारे वेबसाइट्स दिखा दिए आपको, ये वेबसाइट्स को, ये इंपॉर्टेंट जेन्युइन वेबसाइट्स ऑफ अफ्रीका है, टोगो का भी वेबसाइट्स है, आप इन्हीं वेबसाइट्स को आपका कंप्यूटर लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद क्या करिए, आपका पास जब समय है वन बाय वन वेबसाइट को आपका कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन करिए, ओपन करके पढ़िए क्या वेबसाइट है, फिर उन वेबसाइट में आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, रजिस्टर करके लिस्ट कर लीजिए। अगर आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, जो भी हो, आपका जो भी कंपनी आपका पास है, एक एक वेबसाइट में रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड कर लीजिए, ताकि टोगो में जितने सारे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, फैक्ट्री ओनर्स या की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, इंडिविजुअल लोग जब सर्च करेंगे वेबसाइट्स में, इन वेबसाइट्स में, तो आपका उनको आपका कंपनी दिखाई दे सकता है। अगर उनको इंडिया चाइना से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना है तो हो सकता है वो आपको कॉन्टैक्ट करके आपसे आपको ऑर्डर दे सकते हैं, एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा हमारा जितने सारे वीडियोज है, हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स दिखाता हूँ, हर वेबसाइट्स में आपको रजिस्टर करके आपको कंपनी को ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करना है, फोटोज ऐड करना है, ताकि सर्च इंजन में जो दिखाई देगा अफ्रीकन कंट्रीज में, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो बैकलिंक का काम करेगा मतलब एक बार आप लिस्ट करोगे तो सालों साल तक, ईयर्स ऑफ ईयर्स, 100 ईयर्स ऑफ, जब तक साइट्स चल रहा है, जितने जब तक साइट्स वेबसाइट्स एक्टिव है, आपका कंपनी लिस्ट रहेगा और सर्च इंजन में दिखाई देगा, क्योंकि ये सब सर्च इंजिन्स है। अफ्रीका के लोग जब सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, हो सकता है आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में सर्च के जरिए वो आपको कंपनी को सर्च कॉन्टैक्ट करके वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा और एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देगा। इसीलिए हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, जितने सारे वेबसाइट्स देता हूँ, हर वेबसाइट में आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंपनी को, ठीक है।
अभी मैं आपको जितने सारे वेबसाइट्स बताया उसमें बहुत सारे क्लासिफाइड वेबसाइट्स है, क्लासिफाइड वेबसाइट्स में फ्री में रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करके फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, ठीक है। और बहुत सारे मैंने दिखा दिया, रेडियो स्टेशन ऑफ टोगो और टीवी स्टेशन ऑफ टोगो, अफ्रीका में ज्यादा करके जो इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो गांव-गांव में, विलेज एरिया में, माउंटेनस एरिया में जो लोग है और रेडियो यूज करते हैं, अफ्रीका पोरेस्ट कंट्रीज है, टोगो जो पोरेस्ट कंट्री है, टोगो, बुर्किना फासो, छाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो सब कंट्रीज है, पोरेस्ट कंट्री, बहुत गरीब कंट्रीज है, यहाँ का लोगों के पास मोबाइल ज्यादा रहता नहीं है और इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो लोग रेडियो सुनते हैं। इसीलिए अगर आपके पास बजट है, आप टोगो में बिजनेस पाना चाहते हो, एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना चाहते हो, तो आप क्या करिए, जैसे आपको बताया था पहला वाला वीडियो में बताया था, टोगो में आप रेडियो में या टीवी में एडवर्टाइजमेंट करिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का, और आपको ज्यादा से ज्यादा वहां का इम्पोर्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंडिया में हो और आप टोगो फिलहाल नहीं जा पा रहे हो तो जितने सारे रेडियो स्टेशन से दिखा दिया, रेडियो स्टेशन का वेबसाइट को कॉन्टैक्ट करिए, रेडियो स्टेशन का कॉन्टैक्ट उसमें आप कॉन्टैक्ट करिए कि आप आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट फ्रेंच में करिए इन टोगो, तो वहाँ का लोगों को, वहाँ का पब्लिक को, वहाँ का इम्पोर्टर्स को आपके कंपनी के बारे में मालूम पड़ेगा, हो सकता है वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप टोगो अगर जाना चाहते हो, टोगो अगर आप घाना जाओगे, घाना टोगो का जो नेबरिंग कंट्री है, तो अगर घाना जाओगे तो घाना से आप टोगो को 15 डेज का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, ठीक है। तो वीज़ा ऑन अराइवल टोगो का एडवांस वीज़ा लेने का जरूरत नहीं है, तो आप पहला घाना जाइए, घाना का वीज़ा आप घानियन एम्बेसी दिल्ली या घानियन कॉन्सुलेट मुंबई से वीज़ा ले सकते हो। घाना में पहुंच के घाना में मार्केटिंग करिए और घाना से आप टोगो बाय रोड में जा सकते हो, और घाना टोगो का जो बॉर्डर है इमिग्रेशन का पॉइंट में, इमिग्रेशन में आपको 15 डेज का वीज़ा मिल जाएगा, टोगो में आप जाकर मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। टोगो में जब आप हो गए या घाना में हो गए तो टोगो में फ्रेंच लैंग्वेज में टीवी में या रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो, आपका प्रोडक्ट क्या क्या है बता दीजिए, आप इंडिया से हो और फिलहाल आप टोगो में या फिलहाल घाना में रुके हुए हो या फिलहाल आप बेनिन में रुके हुए हो, आपको टोगो का इम्पोर्टर्स चाहिए, तो आपको काफ़ी सारे इम्पोर्टर्स फ्रॉम टोगो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, इस जरिए में आपको टोगो से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। या टोगो का फ्रेंच का जितने सारे न्यूज़पेपर्स दिखा दिया, पहला न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए फ्रेंच लैंग्वेज में कि आप एक एक्सपोर्टर हो, आपका प्रोडक्ट ये क्या क्या प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से और आपको इम्पोर्टर्स चाहिए फ्रॉम टोगो, तो आपको काफ़ी सारे टोगो का इम्पोर्टर्स मिल जाएंगे, तो आप बातचीत करके, मीटिंग करके टोगो का जो इम्पोर्टर्स है उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। और घाना में इंडियन एम्बेसी है, और घाना में इंडियन एम्बेसी है, घाना में जो इंडियन एम्बेसी को आप लिखिए, अगर उनके पास टोगो का लेटेस्ट कंपनीज का ईमेल डाटा है तो अगर आपको देते हैं तो आप ईमेल के जरिए कंपनी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। घाना में, नाइजीरिया में, टोगो में और बेनिन में एक्सपो होता ही रहता है, आप वहाँ पर जाके अगर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का डिस्प्ले करते हो तो टोगो के साथ साथ उनके जो नेबरिंग कंट्रीज है घाना, बेनिन और बुर्किना फासो, नाइजीरिया, इन कंट्रीज का भी इम्पोर्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको काफ़ी सारे तरीका बता दिया, काफ़ी सारे उपाय बता दिया कैसे आपको टोगो से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है और कैसे और क्या क्या प्रोडक्ट आप टोगो को एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ से सोर्स करोगे, इंडिया से कहाँ से सोर्स करोगे, टोगो के बारे में बता दिया, डिटेल्स बता दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, और टोगो जो जैसे आपको पहले बताया था जो पोरेस्ट कंट्री, जो गरीब कंट्रीज है, गरीब देश है अफ्रीका का, वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा येलो पेजेस, B2B ट्रेड पोर्टल आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आपको अगर बिजनेस करना है, आपके पास ज़्यादा बजट है, आप खुद जाके मार्केटिंग करिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपनाइए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, आज से 30 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था तो एक्सपोर्टर्स क्या करते थे, हर कंट्री को विजिट करते थे, विजिट करके दुकान टू दुकान यानी शॉप टू शॉप और ऑफिस टू ऑफिस, शॉपिंग मॉल टू शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी टू ग्रोसरी घूम घूम के मार्केटिंग करते थे, या जिसके पास पैसा था वो लोकली कुछ लड़के को, कुछ कैंडिडेट्स को अपॉइंट करते थे मार्केटिंग के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है टोगो में जाइए, टोगो में कुछ कैंडिडेट्स को फ्रीलांसर के हिसाब से कुछ सैलरी देके आप अपॉइंटमेंट कर दीजिए, तो टोगो में घूम घूम के दुकान टू दुकान जाके, मॉल्स जाके, या उनको कुछ आपको सैलरी देना पड़ेगा। अगर फिलहाल आप टोगो में कंपनी नहीं बना रहे हो तो टोगो में जाइए, टोगो में आपको काफ़ी सारे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम काफ़ी है, तो टोगो में फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, यंग लोग को
मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के हिसाब से अपॉइंट करिए कि उनको बताइए कि आपको इतना सैलरी मिलेगा और कमीशन मिलेगा। फिर वो क्या करेंगे, वो दुकान टू दुकान, मॉल टू मॉल या ट्रेडिंग कंपनीज को घूम घूम के आपको कॉन्ट्रैक्ट ला के देंगे। फिर आप उनको सैलरी दे दीजिए, कमीशन दे दीजिए, इंडिया टू टोगो आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये भी एक तरीका है। और टोगो में कैसे आपका खुद का कंपनी बना के कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में कुछ दिनों में और एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हमारा काफी हमारा जो वीडियोस है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस सेटअप के ऊपर बिजनेस बनाते हैं। तो फिलहाल मैं टोगो के बारे में बात कर रहा हूँ, टोगो के बारे में मैंने बता दिया। और टोगो में आइदर एक्सपो में भाग लीजिए, टोगो में आपका खुद का बिजनेस के लिए खुद में वहाँ पर कैंडिडेट्स को अपॉइंट करके मार्केटिंग करिए, या टोगो में टीवी रेडियो या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करिए, या टोगो में जितने सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया उनका जो न्यूज़पेपर का होम पेज में ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट करिए, या टोगो में आप खुद जाकर मार्केटिंग करिए, या टोगो में इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करिए। तो जितने सारे तरीके आपको बता दिया, आप कोई भी तरीका अपनाइए एक्सपोर्ट के लिए, और मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर टोगो से मिल जाएगा। तो हम काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं अफ्रीका के बारे में, यूरोप के बारे में, अमेरिका और एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। मैं आशा करता हूँ अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। हमारा काफ़ी सारे वीडियो हम बना चुके हैं, कैसे आप फॉरेन में एब्रॉड में कैसे आपका खुद का इन्वेस्टमेंट करके खुद का ऑफिस बनाओगे, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाओगे, पूरी वीडियोज आप देखिए। यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में आप सर्च करिए ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, आपको काफ़ी सारे हमारा हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज मिल जाएगा। आप वन बाय वन वीडियो चेक करके देखिए और आप खुद ही एक सफल यानी सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाओगे। क्योंकि मेरे जितने सारे वीडियोज है, प्रैक्टिकल वीडियोज है, मैं डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। आपको कोई भी ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आपको ट्रेनिंग लेने का जरूरत पड़ता है तो आप आपका सिटी में कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल हमारा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, हम हमारा वीडियोस आपको वीडियो के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि आप एक सफल एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनो। और हमारा वीडियोज़ को देखते रहिए, हमारा वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यानी और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले आगे का काफ़ी सारे वीडियोस को मैं आपको दिखा सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले आगे का वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।